खालसा पंथ के स्थापना का महापर्व बैसाखी संस्कारधानी में धूमधाम से मनाया गया। बैसाखी पर्व के अवसर पर प्रेमनगर गुरुद्वारे में विविध धार्मिक कार्यक्रम हुए। विश्व को सत्य और अहिंसा का संदेश देने वाले जैन धर्म के तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती के अवसर पर हनुमान ताल बड़ा जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल श्री जी की पालकी भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक राजनीतिक और अन्य संगठनों के द्वारा बाबा साहब को याद किया जा रहा है। आज देश में अलग तरह की राजनीति हो रही है जिसमें जनता से जुड़े मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया है। ये कहना है कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय का। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि एक वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। शहर के कई इलाकों में भीषण जल संकट व्याप्त है। काजघर वर्ण निगम के कंपाउंड में रहने वाले परिवारों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्षेत्र की बोरिंग खराब हो जाने के बाद उन्हें नगर निगम के टैंकरों के सहारे दिन काटने पड़ रहे हैं। जिस दिन टैंकर नहीं आता है उस दिन प्याज बुझाना मुश्किल हो जाता है। गढ़ा थाना क्षेत्र छुई खदान में रहने वाले एक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते एक बदमाश ने हमला किया। बदमाश ने सुबह युवक के घर पर बमबाजी की तो वहीं देर शाम गोली चलाकर हमला किया। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। सड़क और फुटपाथ पर जमे बेजा कब्जों को हटाए जाने का क्रम जारी है। इसी अभियान के तहत रद्दी चौकी से आधारताल और सुहागी तक के अतिक्रमण हटाए गए। भीषण गर्मी और लू की चपेट में आए मध्य भारत के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिम विक्षोभ और आसमान पर बादलों की मौजूदगी के कारण अगले कुछ दिनों तक लोगों को जहां लू से राहत मिलेगी तो वहीं तापमान में भी कुछ गिरावट दर्ज की जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भगवान महावीर जयंती और बैसाखी पर्व के मौके पर संस्कारधानी में हुए विविध आयोजन। महावीर जयंती के मौके पर निकली भव्य शोभा यात्रा। प्रेमनगर गुरुद्वारे में हुआ बैसाखी का मुख्य आयोजन। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। अंबेडकर के स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर विभिन्न संगठनों और समाज सेवियों ने किया माल्यार्पण। और देश में अलग तरह की राजनीति कर रही है सरकार। जनता से जुड़े मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने लगाया आरोप। खालसा पंथ की स्थापना का महापर्व बैसाखी संस्कारधानी में धूमधाम से मनाया गया। बैसाखी पर्व के अवसर पर प्रेमनगर गुरुद्वारे में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों में सिख समाज के लोगों के साथ ही सभी धर्मों और समुदाय के लोग भी शामिल हुए। खालसा पंथ की स्थापना का पर्व बैसाखी भी संस्कारधानी में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रेमनगर में बैसाखी का मुख्य आयोजन हुआ। गुरुद्वारा प्रेमनगर में गुरु का दरबार सजा, जहां सिख समाज के श्रद्धालुओं के साथ ही सभी धर्मों के लोगों ने शामिल होकर गुरु को माथा टेका। नगर कीर्तन दा मैं उन्होंने शेर सुना दिता, ओदे च इन्ना जोश आ गया वो खुद मैक फड़ के एमएलए जगाने। एवें नहीं लोकी खालसा कहते गए, ये तलवार तो सरदारों की घर घर की कहानी है। अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो माफ कर देना, वो कहता तो खुली छूट है तुसी करो। इस अवसर पर गुरुद्वारे में विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए जिसमें धर्म प्रेमी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस गुरु के जुल्म के खिलाफ जो गुरु साहब ने तलवार पंच प्यारे सजा के खालसा पंथ सजाया था, और इसी खुशी में आज खालसा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बड़े गुरुद्वारे में बड़े धूमधाम से प्रोग्राम चल रहे हैं, गुरु के लंगर चल रहे हैं, भजन कीर्तन चल रहे हैं। आज शाम को मड़ाताल गुरुद्वारे में भी इसी विषय में प्रोग्राम चलेगा, कल भी चलेगा शाम को। बहुत बहुत बधाई। आज खालसा का जन्मदिन हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में अमृत छका के तैयार कराया था खालसा जी, और इस दिन अमृत छका के पांच प्यारे से खुद भी अपनी अमृत छका था। और आज खालसे का नया साल चालू होता है। जो पंजाब में गेहूं की कटाई होती है तो आज के दिन से पंजाब में नया साल चालू होता है। बैसाखी के अवसर पर गुरुद्वारा प्रेमनगर में गुरु करंगर भी वितरित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शरीक हुए। विश्व को सत्य और अहिंसा का संदेश देने वाले जैन धर्म के तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती के अवसर पर हनुमान ताल बड़ा जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल श्री जी की पालकी भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
अहिंसा परमो धर्म का संदेश देने वाले जैन तीर्थकार भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती जैन समाज के द्वारा धूमधाम से मनाई गई। महावीर जयंती के अवसर पर जैन समाज ने हनुमानताल बड़ा जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली। ढोल धमाकों और गाजे बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में विशेष रथ पर सवार श्री जी की पालकी संस्कारधानी वासियों और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रही। समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने भगवान महावीर स्वामी का जय घोष किया और उनके संदेशों को जीवन में आत्मसात करने का संकल्प भी दोहराया। आज के दिन महावीर जयंती के दिन आप सभी को हार्दिक बधाइयां देते हैं और अहिंसा का ये महापर्व और जबलपुर नगरी एक विशाल शोभा यात्रा का हम संचालन कर रहे हैं और जिसमें आप भी प्रतिभागी हैं। और जैसा कि महावीर का संदेश है अहिंसा शांति और परम धर्म यह सर्व जगह व्याप्त हो ऐसी हमारी महाशुभकामना। अहिंसा पर वो धर्म के प्रेरक 1008 भगवान महावीर की जन्म जयंती आज पूरे भारत वर्ष में मनाई जा रही है। इसी क्रम में जबलपुर जैन नवलोक सभा के द्वारा पंच दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज 14 अप्रैल को भगवान महावीर का जन्म दिवस है तो पूरे अहिंसा दिवस के रूप में पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है। शोभा यात्रा ने शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। इस दौरान सड़कों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक राजनीतिक और अन्य संगठनों के द्वारा बाबा साहब को याद किया जा रहा है। जबलपुर में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उन्हें याद किया गया। अंबेडकर चौक पर स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने लोगों का तांता लगा रहा। दलितों के मसीहा माने जाने वाले भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उन्हें याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। जबलपुर में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों और दलित समाज से जुड़े लोगों ने अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ आए हैं और उनके नियम को अपन फॉलो अप कर रहे हैं। जो उन्होंने हमको स्थान दिलाया समाज में वो उसका कोई जवाब है ही नहीं। जो बराबरी का दर्जा दिया है वो एक मतलब उसके लिए अपने पास शब्द ही नहीं है। बाबा साहब के कारण आज हम शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, बराबरी का दर्जा पा रहे हैं और बाबा साहब के कारण ही बराबरी का दर्जा सबको मिल रहा है। बाबा साहब अंबेडकर के मार्ग पर दिखाए रास्ते पर चलने की हम संकल्प लेते हैं और हम सभी देशवासियों को उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए जिससे देश हमारा समृद्ध हो सके और आगे बढ़ सके। बाबा साहब की जयंती के मौके पर अंबेडकर चौक स्थित उनकी प्रतिमा स्थली पर लोगों का तांता लगा रहा। सभी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। आज देश में एक अलग तरह की राजनीति हो रही है जिसमें जनता से जुड़े मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया है। ये कहना है कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय का। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि एक वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कायस्थ समाज के कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर आए कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि देश के राजनीतिक हालात चिंताजनक है। जनता से जुड़े मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया है। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर सुबोध कांत सहाय ने कहा कि राहुल गांधी अकेले नेता है जो भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और जनता की बात कर रहे हैं। आप राहुल गांधी से एग्री हो या नहीं, लेकिन आज के राजनीति में वही अकेला है जो मोदी जी के आंख में आंख डाल करके उनके सवाल जवाब कर रहा है। देश में कोई राजनीतिक नेता वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनकी लड़ने की जो क्षमता है उसका मैं कायल हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है। मध्य प्रदेश में जनता की चुनी हुई सरकार को षड्यंत्र पूर्वक गिराने का काम किया गया है। झारखंड में 3 बार अटेम्प्ट लिया है भाजपा के लोगों ने MLA खरीदने का और आप तो जीता जागता उसके उदाहरण है। मध्य प्रदेश कैसे
चुनी हुई सरकार को यहाँ पे खरीद लिया। क्या कमलनाथ काम नहीं कर रहे थे? लेकिन इतना बड़ा लोभ दिया जाता है, कर्नाटक में 100-100 करोड़ का लोभ था, कैसे टिकेगा कोई, कैसे टिकेगा? सुबोध कांत सहाय ने आशंका जताई है कि कहीं भारत की स्थिति भी श्रीलंका की तरह ना हो जाए, लिहाजा हालात बिगड़ने के पहले सबको जागना जरूरी है। शहर के कई इलाकों में भीषण जल संकट व्याप्त है। कांचघर बर्न कंपनी कंपाउंड में रहने वाले परिवारों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्षेत्र की बोरिंग खराब हो जाने के बाद उन्हें नगर निगम के टैंकरों के सहारे दिन काटना पड़ रहे हैं। जिस दिन टैंकर नहीं आता है उस दिन प्यास बुझाना मुश्किल हो जाता है। कांचघर बर्न कंपनी कंपाउंड में निवास करने वाले 100 से ज्यादा परिवार इन दिनों भीषण जल संकट झेल रहे हैं। क्षेत्र की एकमात्र बोरिंग खराब हो गई, जिसे नगर निगम द्वारा सुधरवाया भी नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से लोग अपना काम धंधा छोड़कर पानी के लिए जूझ रहे हैं। पूरी आबादी नगर निगम के टैंकरों के भरोसे दिन काट रही है। जिस दिन पानी का टैंकर नहीं आता है उस दिन प्यास बुझाना तक मुश्किल हो जाता है। गर्म कंपनी में बोरिंग खराब हो गई, 10-15 दिन से बनी नहीं है, पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर पढ़ाई छोड़ के पानी भरना पड़ रहा है। और कोई व्यवस्था नहीं है नहीं, यहाँ पर पूरी बोरिंग खराब है, अभी तक बन भी नहीं पाई है, पढ़ाई छोड़ के यही करना पड़ रहा है। गर्म कंपनी में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ का बोर खराब है, एक टंकी बन जाए बड़ी या बोर अच्छा नया बोर बन जाए, पानी का संकट बहुत ज़्यादा गहरा संकट है। क्या चाहिए अपन को? यहाँ पर बोर बनना चाहिए या टंकी बनना चाहिए, रात रात भर पानी भरना पड़ता है हम लोगों को यहाँ पर, नौकरी वगैरह दिन में काम काम करो और रात रात भर पानी भरो, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका निराकरण होना चाहिए। माँ नर्मदा के किनारे बसा जबलपुर प्यासा है। दरअसल पानी की कोई कमी नहीं है, बल्कि नगर निगम की जल वितरण व्यवस्था में खामियां हैं। यदि जल वितरण व्यवस्था दुरुस्त हो जाए तो हर क्षेत्र में आसानी से पानी मिल सकता है। सड़क और फुटपाथ पर जमे बेजा कब्जों को हटाए जाने का क्रम जारी है। इस अभियान के तहत रद्दी चौकी से आधारताल और सुहागी तक के अतिक्रमण हटाए गए ताकि यातायात सुगम हो सके। नगर निगम के अन्य क्रांति दल द्वारा रद्दी चौकी से आधारताल तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान सड़क और फुटपाथ पर जमे 2 दर्जन से ज्यादा ढेले टपरे हटाए गए। इसके साथ ही शहर के अन्य क्षेत्रों में भी कच्चे पक्के अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि यातायात में बाधा पैदा करने वाले बेजा कब्जों को बख्शा नहीं जाएगा। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना उनकी प्राथमिकता है। गढ़ा थाना क्षेत्र छुई खदान में रहने वाले एक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते एक बदमाश ने हमला किया। बदमाश ने सुबह युवक के घर पर बमबाजी की तो वहीं देर शाम गोली चलाकर हमला किया। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। गढ़ा थाना क्षेत्र छुई खदान में रहने वाले नरेंद्र सेठी नामक युवक के घर पर बमबाजी करने और फिर गोली चलाने की घटना के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के सामने आए हैं। बीती शाम नरेंद्र के ऊपर क्षेत्र के एक बदमाश ने फायर कर सनसनी फैला दी थी। इसके पहले सुबह भी बदमाश ने नरेंद्र के घर पर बमबाजी की थी और भाग गया था। पुरानी विवाद के चक्कर में उसने मेरे घर में बम चलाया, मैंने FIR करी, प्रशासन की कार्रवाई कर ही नहीं रहा जी। मेरे ये छुई खदान की घटना है, सामुदायिक भवन जी, मेरे घर पे बम चला दिया। गढ़ा पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है। बताया जाता है कि वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। और अब एक नजर मौसम पर। भीषण गर्मी और लू की चपेट में आए मध्य भारत के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिम विक्षोभ और आसमान पर बादलों की मौजूदगी के कारण अगले कुछ दिनों तक लोगों को जहां लू से राहत मिलेगी तो वहीं तापमान में भी कुछ गिरावट दर्ज की जाएगी। गुरुवार को मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिला। आसमान पर बादलों की मौजूदगी के चलते लोगों को गर्मी से कुछ राहत महसूस हुई। हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, लेकिन आसमान पर बादलों की मौजूदगी के कारण लोगों ने दिन के समय कुछ राहत महसूस की। भैया इस बार गर्मी तो बहुत तेज पड़ रही है और बेचैनी सी हो रही है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो बुजुर्ग और जो भी बुजुर्ग है वो कभी घर से टाइम से निकले और शाम होने के बाद ही निकले और स्कूल स्कूल को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई गर्मी इतनी पड़ रही है, अभी ये हाल है, अगले महीने क्या होगा। गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है,
और गर्मी के कारण रहना बहुत मुश्किल हो रहा है और हमारा ऐसा अंदाज है कि इस साल बहुत गर्मी पड़ेगी जिससे रहने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा और लू भी चल रही है। पिछले वर्ष अनुसार इस वर्ष गर्मी कुछ अधिक मात्रा में है और लोग अधिक से ज़्यादा लोग परेशान और गर्म हवा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा ही चल रही है और आगे भी ज़्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है और मैं सभी लोगों से ये बोलूँगा कि थोड़ा बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए। सब लोग बच्चों को घर के अंदर समय से पहले जिस तरह से स्कूल के लोगों ने समय 7 बजे से 12 बजे तक का कर दिया है उसी हिसाब से बच्चों को अपने घरों में रखा जाए। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़। संस्कार